हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू लर्न माय ट्यूब चैनल। सो टुडे हियर वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन टू कमार वृत्त। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मैंने सेम टॉपिक पर रिगार्डिंग द कमार वृत्त, रिगार्डिंग द पेडेटिक, रिगार्डिंग द बाल रोग, सेम टॉपिक पे इंट्रोडक्शन टू कमार वृत्त पर्टिकुलर वीडियो मैंने सेम वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड किया है। जब मैं थर्ड ईयर बीएमएस सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन की जब मैं बात कर रहा था ना, तो वहाँ पे मैं गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, देन स्वस्थ वृत्त, फॉरेंसिक एंड टॉक्सिकोलॉजी, ये सभी का इंट्रोडक्शन मैंने वहाँ पे दिया था। तो उसी के कंटिन्यू में मैंने वहाँ पे बताया था कि पेडेटिक यानी कि कौमार वृत्त में क्या हम इंट्रोडक्शन यानी कि क्या हम देखने वाले पूरे थर्ड ईयर में। तो ये यहाँ पे भी हम सेम कंटिन्यू करेंगे, सेम थिंग को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट जस्ट एक उसका हायर लेवल है जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, उसका एक हायर लेवल है यहाँ पे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो पर्टिकुलर प्रीवियस अपलोड वीडियो जो स्टूडेंट देखना चाहते हैं वो पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं, मैंने उसका जो लिंक है अपने डिस्कशन बॉक्स में उसको अटैच किया। तो लेट्स बिगिन अवर टुडेज क्लास, दैट नथिंग बट इंट्रोडक्शन टू कौमार वृत्त। तो अल्टीमेटली कौमार वृत्त ये आयुर्वेद में आया कैसे है, तो अगर मैं बताऊँ उसका इनिशियली कि हाउ इट ओरिजिन, तो जो हमारे अष्टांग आयुर्वेद था ना, यानी कि अष्टांग आयुर्वेद यानी कि एट ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा, अष्ट अंग, आठ अंग ऑफ आयुर्वेदा, एट लिम्ब ऑफ आयुर्वेदा, यानी कि एट ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा। तो वो ब्रांचेस हमारे जो आचार्य हुआ करते थे ना, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिए थे, यानी कि उन्होंने बता दिया कि काय चिकित्सा यानी कि काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, गृह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा। तो ऐसे एक आठ ब्रांचेस हमारे आयुर्वेद में बताया गया है, काय, बाल, गृह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृषण। यानी कि अलग अलग मैनर में, अलग अलग वे में चिकित्सा करनी चाहिए, तो इससे जो चिकित्सा होती है वो फलप्रद होती है, वो बहुत ही प्रॉपर ट्रीटमेंट या फिर प्रॉपर तरीके से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए एक ब्रांचेस में डिवाइड हुआ था, लेकिन जो पहले के जो एंशियंट टाइम है, जो उन्होंने बस डिवाइड किया था, उसका प्रैक्टिकली उतना उन्होंने उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया था, यानी कि उतना उन्होंने उपयोग नहीं किया था। बट जैसे ही मॉडर्न यहाँ पे स्टार्ट होता है, जैसे ही बृहत्तरी का वहाँ पे जो रोल ख़त्म हो जाता है, तो हमारे जैसे ही मॉडर्न टाइम इनिशियली स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ब्रांचेस उन्होंने जो बताया था ना, उसका प्रैक्टिकली यहाँ पे उसका यूज़ देखने को मिलता है। दैट नथिंग बट प्रैक्टिकली जब उसको एक्सप्लोर करते हैं, प्रैक्टिकली जब उसको ओपन करते हैं ना, तो उसके बहुत ही यूज़फुल रिजल्ट देखने को मिलता है। तो उस पर्टिकुलर जो उन्होंने ब्रांचेस बताया था, उस पर्टिकुलर ब्रांचेस में हमारा कौमार वृत्त एक पर्टिकुलर यानी कि बाल चिकित्सा जहाँ उन्होंने बताया था, यानी कि जो बृहत्तरी जो उन्होंने बताए थे, बृहत्तरी के लोगों यानी चरक, सुश्रुत और वाग्भट जी ने जो बताया था, जो ब्रांचेस उन्होंने जो बताया था, उनमें से कौमार वृत्त करके यानी कि बाल चिकित्सा, ये जो पर्टिकुलर एक ब्रांच उन्होंने बताया था वो एक्सप्लोड हुआ, यानी कि एक जस्ट उसका एक विशाल रूप देखने को मिला हमारे मॉडर्न टाइम, यानी कि जस्ट एंशियंट टाइम जैसे ही वो पास्ट टाइम जैसे ही अबे हुआ, यानी कि जैसे ही मॉडर्न इनिशियली स्टार्ट हुआ, उन्होंने जो ब्रांचेस बताया था वो ब्रांचेस का हमने यूज़ किया, हमने उसको ओपन किया। क्यों ओपन किया? क्योंकि आप देख ही रहे हो, अगर एक एक वन बाय वन अगर फील्ड अगर हम स्टडी करते हैं ना, तो उसका डीपर स्टडी हम कर सकते हैं, लेकिन कलेक्टिवली अगर हम किसी चीज़ को गैदर करते हैं तो इट मेक सो कॉम्प्लिकेटेड। तो उस कॉम्प्लिकेटेड को हटाने के लिए, दूर करने के लिए हमने जो जो आचार्य ने उन्होंने जो अलग अलग जो ब्रांचेस बनाया था ना, उस ब्रांचेस वाइज को हमने क्या किया, कैटेगराइज किया, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट कैटेगराइज लेवल हमने उसको स्टडी करना स्टार्ट किया। और जो कैटेगरी उन्होंने बताया था, उस कैटेगरी में हमने क्या हुआ, धीरे धीरे हमें सक्सेस भी मिलना स्टार्ट हो गई। तो अल्टीमेटली मैं इतना डीप में नहीं जाऊँगा, बस बहुत सारे कमेंटेटर कमेंट करते कि इतना डीप में आप बताते हो, तो डीप आई विल नॉट गो इन डीप, जस्ट एक ओवरव्यू में आपको बता रहा हूँ कि जो बृहत्तरी ने जो उन्होंने बताया था आठ ब्रांचेस, हमारे मॉडर्न में वो एट ब्रांचेस यानी कि आठ अंग ऑफ आयुर्वेदा वो एक ओपनली मैनर में ओपन हुआ। जब मॉडर्न स्टार्ट हुआ, एक ओपनली मैनर में वो ओपन हुआ, और वहाँ पे जो उन्होंने आठ ब्रांचेस बताई थी उसका एक एक अंग, उसकी स्टडी की जाने लगी, उसकी इम्पोर्टेंस पता की जाने लगी, और जो उसके उससे रिलेटेड जो चिकित्सा थी उनमें बहुत ही यूज़फुल रिजल्ट देखने को मिला। तो अल्टीमेटली कौमार वृत्त उस आठ अंग में से एक अंग आता है, काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा वृषण। तो अल्टीमेटली चरक आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट, ये तीनों जो बृहत्तरी थे जिन्होंने अपने
अष्टांग ऑफ आयुर्वेदा जो उन्होंने बताया था, अल्टीमेटली तीनों ने वहाँ पे सेम ही एक्सप्लेन किया था, बट उनका जो प्रेफरेंस जो ऑर्डर था ना उन्होंने बस रिप्लेस किया था। ओके, आचार्य सुश्रुत ने वहाँ पे उन्होंने शल्य चिकित्सा को प्रधान चिकित्सा बताया था, आचार्य चरक ने उन्होंने काय चिकित्सा को प्रधान बताया, हमारे जो कश्यप थे आचार्य कश्यप उन्होंने बाल चिकित्सा को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया था। ओके, इसलिए हम जब बाल चिकित्सा यानी कि कौमार वृत्ति की जब स्टडी करते ना तो काश्यप संहिता यानी कि काश्यप के जो रूल है ना उनको हम ज़्यादातर फॉलो करते हैं। ओके, तो क्योंकि उन्होंने काश्यप के बारे में बहुत ही स्टडी की थी, बहुत ही डीप स्टडी की थी, और वो ऐसा बोलते थे कि जब इनिशियली बच्चा बॉर्न होता है ना और अगर हम उसमें कोई संस्कार, अगर हम उसके जो उसका जो भरण है उसका जो हम लालन पालन अगर हम करते हैं ना अच्छे ढंग से तो जो नेशन है वो अच्छे तरीके से चल सकता है। ओके, इसलिए उन्होंने कौमार वृत्ति को एक अलग ही इम्पोर्टेंट दे दिया यानी कि एक फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया। ओके, अकॉर्डिंग टू आवर आचार्य कश्यप, तो अलग अलग जो आचार्य हुआ करते थे उन्होंने अलग अलग प्रेफरेंस दिया, बट प्रेफरेंस के हमें यहाँ पे कोई रिलेशन या फिर लेना देना नहीं रखना है, हमें बस इतना पता करना है कि कौमार वृत्ति करके एक टॉपिक एक अंग हमारे आचार्यों ने प्लेस किया था जिसको हम ओपन किए अपने मॉडर्न टाइम में। ओके, तो अष्टांग ऑफ आयुर्वेदा ये अल्टीमेटली रिलेट टू द डोमेन ऑफ मेडिसिन। ओके, बट जैसी एंशियंट टाइम हुआ था, एंशियंट टाइम में तो ये इसकी डिस्कवरी हो चुकी थी, द स्टडी ऑफ आयुर्वेदा वॉज नॉट स्प्लिट इन टू द ब्रांचेस आज टूडे। ओके, जैसी अब आज के टाइम में हो रहा है वैसा नहीं होता था पहले के ज़माने में। ओके, रादर इट वॉज स्टडी एंड प्रैक्टिस एज अ सब्जेक्ट इन टोटल। ओके, एक कंसाइज मैनर में कॉम्प्लिकेटेड मैनर में स्टडी की जाती थी पहले, बट अभी के ज़माने में अभी के टाइम में उसको हमने स्प्लिट कर दिया है, और स्प्लिट करने के बाद जो उसकी स्टडी होती है ना इट इज़ अ मस्त। ओके, इट इज़ अ मस्त दैट नथिंग बट वो बहुत ही एक अलग ही मैनर में होता है। ओके, तो लेटर वेन द साइंस डेवलप टू एक्सटेंड द एक्सप्लोर हुआ। ओके, अल्टीमेटली वही बता रहे कि जैसे ही साइंस सेल की थियरी हुई, पूरी बॉडी इट इज़ अ होल बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ अवर सेल। ओके, तो जैसे ही सेल थियरी बिगिन हुई, जैसे एक हाइपोथेटिकल व्यू है, बस आपको इतना पता करना है, इतना याद रखना है कि मॉडर्न जैसे ही इनिशियली स्टार्ट हुआ, जो उन्होंने एट फील्ड बताया था, एट ब्रांचेज जो उन्होंने बताया था, उसका हमें एक्सप्लोरेशन देखने को मिला। ओके, तो द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग द मेडिकल साइंस इनटू द सेगमेंट। ओके, टू सिंप्लीफाई दिट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनिज्म बोलते हैं। ओके, दस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द साइंस। ओके, रिडक्शनिज्म प्ले अ की फैक्टर। ओके, जो उन्होंने डिवाइड किया था, जो उन्होंने रिडक्शन किया था, ओके, अलग अलग ब्रांचेस का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये देखिए आप वहाँ पे मीनिंग समझ सकते हो, एज अ पार्ट ऑफ दिस रिडक्शनिज्म इटसेल्फ द स्टडी ऑफ इच वन ऑफ द आश्रम ऑफ आयुर्वेदा सेपरेटली वॉज इंट्रोड्यूस। अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग उसकी स्टडी की जाने लगी, जैसे काय चिकित्सा है वैसे अलग अलग बाल चिकित्सा है, काय चिकित्सा है, ओके, ऊर्ध्वांग चिकित्सा है, तो ऊर्ध्वांग चिकित्सा, काय चिकित्सा, ये सभी फोर्थ ईयर में आप कंटिन्यू करोगे। तो कौमार वृत्ति का मीनिंग यही होता है, कौमार और वृत्त, वृत्त मतलब होता है भरण पोषण, किसका, कौमार का, कौमार मतलब कुमार का, कुमार मतलब बालक। ओके, जो भी बॉर्न हुए हैं और जो अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, जो भी प्योरिटी अटेंड नहीं हुए, ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, कुमार बोलते हैं। तो कुमार मीन्स जिसकी अभी बर्थ हुई है, ओके, फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, जितने भी ये सभी ईयर्स होते हैं या फिर डेज हैं या फिर वहाँ पे टाइम पीरियड है, ये सभी को हम क्या बोलते हैं, कुमार बोलते हैं। तो इन सभी टाइम में कुमार का भरण पोषण करना, इनको हम क्या बोलते हैं, कौमार वृत्ति बोलते हैं। तो कौमार वृत्ति इज वन अमंग द एट ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा, एस आई ऑलरेडी टोल्ड टू यू। ओके, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द वाजीकरण, ओके, वाजीकरण संहिता में ऐसी बताया, एक चीज़ बताया गया है कि अगर किसी पर्सन को या फिर अगर किसी कपल को अगर कोई वहाँ पे चाइल्ड नहीं है, यानी कि कोई अगर वहाँ पे कोई बालक नहीं है, कोई चाइल्ड नहीं है, यानी कि इनफर्टाइल कपल है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि कपल नॉट एबल टू कंसीव, ओके, हम ऐसा वहाँ पे बोल सकते हैं, तो इनफर्टाइल कपल अगर होते हैं तो उनको ऐसा कंसिडर किया गया है जैसे एक वृक्ष में अगर कोई फल नहीं आते हैं, ओके, यानी कि अगर फ्रूटलेस अगर कोई ट्री है तो उनको ऐसा मतलब कंपेयर किया गया है एक इनफर्टाइल कपल से, ओके, यानी कि वो ऐसा आचार्य बोल रहे हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ जो जो हमारे कौमार है, इम्पोर्टेंस ऑफ जो हमारे चिल्ड्रंस है, क्यों है, क्योंकि हमारे जो नेशन है, ओके, सोसाइटी के लिए, द नेशन के लिए, ओके, फ्यूचर ऑफ देयर फैमिली, ओके, दे ऑल डिपेंडेंट ऑन द पर्टिकुलर चिल्ड्रन हो, ओके, दे आर चिल्ड्रन, दे ऑल डिपेंडेंट ऑन द चिल्ड्रन ओनली। ओके, तो वही यहाँ पर बताया गया है कि
कि वाजीकरण करके जो वहाँ पे संहिता है, वाजीकरण करके नॉट संहिता, वाजीकरण करके जो वहाँ पे अंग है, जो ब्रांच है, ओके, तो वहाँ पे बताया गया कि विदाउट अ प्रोजनी इज लाइक अ ट्री विदाउट ब्रांचेस एंड फ्रूट सर्विंग नो पर्पस इन इट्स एग्जिस्टेंस। ओके, अगर कोई ट्री है, ट्री के अगर कोई ब्रांचेस नहीं है, ब्रांचेस क्या करता है, ब्रांचेस शेडो प्रोवाइड करता है। फ्रूट क्या करता है, फ्रूट एक अल्टीमेटली वहाँ पे पब्लिक को फ्रूट प्रोवाइड करता है। ओके, सॉरी, हाँ, तो अल्टीमेटली एक ट्री की ब्रांचेस और एक ट्री का जो फ्रूट है वो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल होता है। ओके, तो ट्री एक अलोन अगर वो खड़ा रहेगा तो उसका नो यूज़ ऑफ इट दैट पर्टिकुलर ट्री। ओके, इन दैट सेम वे अगर कोई कपल है वो इनफर्टाइल है, नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ प्रोजेनी, देन उसका भी कोई यूज़ नहीं होता है, ऐसा आचार्य ने मेंशन किया है। ओके, तो वो यहाँ पे लिखा गया है, तो ये देखिए, बट इफ़ द ब्रांचेस आर लेम और द फ्रूट आर बिटर, द ट्री वुड स्टिल बी लुक डाउन अपॉन बाय द सोसाइटी। भले वो जो फ्रूट है वो उसमें कोई टेस्ट नहीं है, ओके, इट इज़ डजंट मैटर, बट फ्रूट वहाँ पे होना चाहिए। ओके, तो रादर मोर इम्पॉर्टेंट दैट प्रोजेनी शुड बी कैपेबल बोथ मेंटली एज वेल फिजिकली। ओके, एंड देन वहाँ पे मेंटली या फिजिकली वो एक्टिव होना चाहिए। ओके, क्यों होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी के लिए वो वेलबींग होएगा। ओके, दैट्स वाई उसको एक्टिव होना चाहिए। ओके, और नेशन के लिए अल्टीमेटली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द प्रैक्टिस ऑफ द कौमार वृत्ति स्टार्ट फ्रॉम द, ये देखिए, कौमार वृत्ति की स्टार्टिंग कहाँ से हो जाती है, कौमार वृत्ति स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ ऑफ द बेबी अप टू ही बिकम कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ओके, जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, जब तक वो प्यूबर्टी स्टेज पे अटेन नहीं हो जाता, ओके, अल्टीनल अनलेस कौमार वृत्तम उसको बोलते हैं, कौमार वृत्त बोलते हैं दैट नथिंग बट उसका हमें भरण पोषण यानी कि लालन पोषण हमें करना चाहिए, क्योंकि अभी वो प्यूबर्टी यानी कि प्यूबर्टी एज अटेन नहीं हुआ है। ओके, वो अपने इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर सकता। ओके, दिस इज़ द टाइम ऑफ द मैक्सिमम। ओके, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कौमार वृत्त जो स्टडी है ना, कौमार वृत्त जो अंग है ना, उनका हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि बच्चा जब बॉर्न हो जाता है, ओके, और जब तक वो अटेंड नहीं होता है, प्यूबर्टी जब उसकी एक अटेंड नहीं होती है, तब तक हमें कौमार वृत्ति की स्टडी नीडेड होती है। ओके, हमें कौमार वृत्ति का अंग जरूरी होता है, कैसे करना है उसका भरण पोषण, ओके, कितने प्रमाण में करना है, ओके, प्रमाण बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको डिटेक्शन भी कराना चाहिए। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट टूल है, डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे है, ये हमें पता करने के, ऐसे करना है, ओके, इन दिस वे, ओके, इतना करना है, ओके, तो ये सभी जो क्राइटेरिया है ना, ये सभी कौमार वृत्ति के अंतर्गत बताया गया है। ओके, दैट्स वाई इसका इंपॉर्टेंस है। दिस इज़ द टाइम ऑफ अ मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ओके, तो चाइल्ड बॉर्न हुआ और जब तक प्यूबर्टी स्टेज आती नहीं है, तब तक हमें कंटिन्यू करना है, कौमार वृत्ति की हेल्प हमें ज़रूरत है, नीडेड है, क्योंकि ये जो टाइम है ना, इस टाइम में चाइल्ड की डेवलपमेंट कंटिन्यू होती रहती है। ओके, उसका मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट सब कुछ होता रहता है। ड्यूरिंग दिस टाइम फिजिकली एंड मेंटल डेवलपमेंट इज प्रोमोटेड। ओके, एंड दिस एट सॉरी एंड दैट itself is a contribution of कौमार वृत्त, जो कि कौमार वृत्त के द्वारा दिया जाता है। दिस ब्रांचेस सजेस्ट दैट द रूल एंड regimen रिगार्डिंग द क्लीनिंग, बाथिंग एंड स्टेबलाइजिंग द newborn, किस प्रकार newborn की केयरिंग करना है, उसको बात करना है, किस प्रकार उसको स्टेबलाइज करना है, किस प्रकार उसको मेंटली, किस प्रकार उसको फिजिकली स्टेबलाइज करना है, ये सभी जो बताने का जो regimen है, जो रूल है, ये सभी हमें कौन बताता है, कौमार वृत्त बताता है। ओके, ग्रेजुअली थ्रू द डोमेन ऑफ डाइट, माइलस्टोन, एजुकेशन एंड अप टू द अटेनिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी, कौमार वृत्ति गाइड टू कर्व आउट द बेस्ट पॉसिबिलिटी इंडिविजुअल आउट ऑफ हिम। ओके, तो अल्टीमेटली इसका मतलब यही हुआ, जस्ट एक इन शॉर्ट मतलब यही हुआ कि फ्रॉम द डे ऑफ बर्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर बेबी, ओके, टिल अटेनिंग द प्यूबर्टी एज, ओके, उसकी केयरिंग हमें करने चाहिए, क्योंकि उसकी केयरिंग सॉरी उसकी जो ये जो एज है ना, फ्रॉम द बॉर्न टू द प्यूबर्टी स्टेज, ये एज में जो चाइल्ड है उसकी डेवलपमेंट होती रहती है, उसके फिजिकली और मेंटली वो बच्चा, वो चाइल्ड डेवलप होते रहता है। अगर ये एज में अगर केयर नहीं किया गया तो प्यूबर्टी एज अटेन होने के बावजूद जो कंटिन्यू उसकी जो एज जो लाइफ चलेगी ना, दैट विल बी यूजफुल ऑफ दैट यूजफुल ऑफ द फॉर दैट पर्टिकुलर चिल्ड्रन और यूजफुल नॉट यूजफुल फॉर दैट पर्टिकुलर अडल्ट। ओके, इसीलिए उसकी केयरिंग नीडेड है, ज़रूरत है। ओके, ये देखिए, ग्रेजुअली डोमेन ऑफ डाइट, माइलस्टोन, एजुकेशन, ये सभी ज़रूरत होती है
अटेंड द एज ऑफ प्यूबर्टी, कमर विद द गाइड टू कर्व, जैसे मैंने आपको बताया. ओके, इट डील विद द डिसीजेज अंडर टू मेन हेड. ओके, टू मेन हेड दैट नथिंग बट कौमार वृत्ति के अंतर्गत हम दो तरीके से डिसीज की डीलिंग करते हैं. ओके, फर्स्टली, ओके, फर्स्टली जो हमारा आता है कि डिसीज रिलेट टू द बाल ओनली. ओके, डिसीज रिलेट टू द बाल ओनली, दैट नथिंग बट डिसीज रिलेट टू द चाइल्ड ओनली. ओके, पहला क्राइटेरिया. दूसरा क्राइटेरिया होता है सेकेंडरली पेडियाट्रिक मैनेजमेंट ऑफ द कॉमन डिसीज लाइक ज्वर, अतिसार, जो कॉमनली दूसरे को होते हैं, बट कॉमनली, ओके, कॉमनली दूसरे को होते हैं बट मेजरली जो सेकेंडरली जो हमारा पेडियाट्रिक में जो हम डील करते हैं वो जो कॉमनली दूसरे को होता है बट चाइल्ड में भी होता है. ओके, दैट नथिंग बट जो हमने प्राइमरली जो हमने देखा जो कि अडल्ट में नहीं देखने को मिलेगा बट सेकेंडली जो वाला है वो कॉमनली हमें अडल्ट में देखने को मिलता है, कॉमनली हमें अपने इलाके में या फिर अपने एरिया में सभी में देखने को मिलता है. ओके, तो वो चीज़ें, वो पर्टिकुलर डिसीज़ हमें अगर चिल्ड्रंस में भी देखने को मिलता है तो उसकी ट्रीटमेंट भी हम पेडियाट्रिक में करते हैं. ओके, तो ये देखिए भैया, सॉरी, यही यहाँ पे बताया गया है. दस कुमार वृत्ति इज द फर्स्ट हैंड ऑफ सपोर्ट ऑफर बाय द साइंस ऑफ द आयुर्वेदा टू अ न्यू बॉर्न ऑफ हिज अराइवल टू द न्यू वर्ल्ड. ओके, टू गाइड हिम टूवर्ड अ हेल्थी लिविंग थ्रू आउट द नेचर, सॉरी, थ्रू आउट द फ्यूचर. फ्यूचर तक उसकी फ्यूचर जब प्यूबर्टी अटेंड हो जाती है ना, तब उसकी फ्यूचर किस प्रकार उसको मैनेज करना, दैट ऑल मेंशन बाय और दैट ऑल गाइडेड बाय अवर कुमार वृत्ति ओनली. ओके, तो चिल्ड्रन आर कंसिडर्ड द वल्नरेबल इन सोसाइटी सिंस द डेट ऑफ द हरि संहिता. ओके, हरि संहिता के अकॉर्डिंग बताया गया है कि चिल्ड्रन जो होते हैं वो सोसाइटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ओके, तस्वीर च ब्राह्मण च दीनो व दुर्बली वापी प्रांजो व पंडित तथा महात्मा क्षत्रियो साधुना साधु अनाथो बंधु वर्जित एतान व्याधि विनिग्रस्तान प्रतिक्रियाद विशेषतः. ओके, इसका मतलब यह हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट जो चिल्ड्रंस होते हैं, अगर वही अगर कोई संत है, अगर कोई ब्राह्मण है, अगर कोई दुर्बल है, अगर कोई पंडित है, या फिर अगर कोई महात्मा है, अगर कोई क्षत्रिय है, अगर कोई साधु है, अगर कोई अनाथ है, ओके, इन सभी की केयर एक वैद्य को अच्छे तरीके से करनी चाहिए. ओके, प्रतिक्रियाद, सॉरी, प्रतिक्रियाद विशेषतः. ओके, एतान व्याधि विनिग्रस्तान प्रतिक्रियाद विशेषतः. ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट श्लोक नहीं है, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप नॉलेज रखिए, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, डोंट नीड टू लर्न एवरी श्लोक, मैं जो श्लोक बायहर्ट करना जरूरी होगा मैं आपको बता दूंगा. ओके, तो ये देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट श्लोक है ये आपको बायहर्ट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, हमारे शिशु संहिता में दिया गया है. ओके, तो डेफिनेशन ऑफ सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान में दिया गया है. ओके, तो डेफिनेशन एंड फील्ड ऑफ कुमार वृत्त, कुमार वृत्त से व्याख्या व्यापित्य. ओके, यानी कि मैं जस्ट इतना है, ये क्या लिखा गया इतना बताऊंगा नहीं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज इंपॉर्टेंट छूट जाते हैं. द डेवलपमेंट फीचर ऑफ एनी साइंस इज इट्स प्रेजेंटेशन इज अ क्लासिफाइड फॉर्म. आयुर्वेदा इन इट्स पाथ ऑफ डेवलपमेंट डिवाइडेड इनटू एट ब्रांचेस ऑफ नोन एज आष्टांग ऑफ, जैसे आपको बताया. ओके, बृहत ने जो आष्टांग ऑफ आयुर्वेदा बताए थे उनमें से हम अलग अलग ब्रांचेस को हम डिवाइड या फिर सेग्रेट करते रहते हैं. ओके, कुमार वृत्ति इज अ वन एंड इंपॉर्टेंट ऑफ अष्टांग आचार्य सो शुड डिफाइन द कुमार वृत्ति एज. ओके, यानी कि कुमार वृत्त को डिफाइन करते हैं अष्टांग ऑफ आयुर्वेदा, यानी कि आठ ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा में से कुमार वृत्त एक अंग है. उनमें से जो हमारे आचार्य सुश्रुत थे वो बताते हैं कि हम कुमार वृत्त को कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ वी विल डिफाइन द कुमार वृत्त. तो कुमार वृत्तम नामम कुमार भरणम धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थम दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानम च व्याधिनाम उपशमनार्थम च. ओके, आई विल वंस अगेन रीड द सेम श्लोक. कुमार वृत्त नामम कुमार भरणम धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थम दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानम च व्याधिनाम उपशमनार्थम. ओके, यानी कि कुमार वृत्तम उसको बोलते हैं जहाँ पे कुमार का भरण होता है, जहाँ पे बालकों का लालन पालन भरण पोषण कैसे किया जाता है उसकी स्टडी की जाती है, उसको बतलाया जाता है. ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कुमार वृत्त बोलते हैं. तो कुमार वृत्तम नामम कुमार भरणम. ओके, पहला कहाँ पे सुश्रुत जी बोलते हैं कि हम कुमार वृत्त में क्या क्या करते हैं, हम कुमार वृत्त में क्या क्या करते हैं और कुमार वृत्त हम किसे बोलेंगे, जहाँ पे बालकों की चिकित्सा या फिर बालकों का भरण पोषण कैसे किया जाता है ये जहाँ बताया जाता है. ओके, या फिर ये जहाँ होता है उनको हम क्या बोलते हैं, कुमार वृत्त बोलते हैं. ओके,
धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थम। ओके, यानी कि अगर कोई चाइल्ड ब्रेस्ट फीडिंग अगर ब्रेस्ट फीड करता है, यानी कि इसका जो भूख है, आप जानते हो कि मिल्क का इम्पोर्टेंट जब बर्थ अगर कोई चाइल्ड अगर बर्थ होता है, ओके, न्यू बॉर्न चाइल्ड, उसको 6 महीने तक हम क्या करते हैं, मदर की जो मिल्क होती है उसको हमें कंटिन्यू देना चाहिए। ओके, क्योंकि मदर का जो फूड है, ओके, अल्टीमेटली वो कन्वर्ट होके उसके मिल्क के फॉर्म में उसका चाइल्ड इंटेक करता है, उसका चाइल्ड लेता है। ओके, क्योंकि अगर वो चाइल्ड अगर फूड लेगा अप टू द 6 मंथ, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और सीवरिटी देखने को मिलेगा, बिकॉज उसके जो ऑर्गन्स हैं वो मैच्योर नहीं हुए हैं। ओके, दे नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट पर्टिकुलर आइटम्स। इसीलिए जो मदर के जो मिल्क होते हैं उनका ही कंजप्शन एक पर्टिकुलर चाइल्ड को हम 6 मंथ तक करने बोलते हैं। ओके, अप टू द 6 मंथ हम करने बोलते हैं। हालांकि जो 6 मंथ के बियॉन्ड है, हम वहाँ पे भी कंटिन्यू करते हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग जो बेबी होते हैं उनको हम कंटिन्यू करते हैं, बट अलॉन्ग विद डैट हम उनको मील यानी कि जो आहार वगैरह जो होते हैं उनको हम कंटिन्यू स्टार्ट करने को बोल देते हैं। ओके, तो आपको क्या याद रखना है कि कुमार व्रतम उसको बोलेंगे जहाँ पे कुमारों का भरण पोषण वगैरह जो बदला जाता है वो। दूसरी चीज, जहाँ पे जो मिल्क बच्चा ले रहा है उसमें कोई दुष्टि है या नहीं है उसका डिटेक्शन करना। तीसरी चीज, अगर है दुष्टि अगर होती है तो उसको ठीक करना, दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानम। ओके, उसको ठीक करना। स्तन्य मतलब होता है जो उसका मिल्क है। ओके, स्तन मतलब होता है मेमोरी ग्लैंड। स्तन मतलब क्या होता है, जो मदर का जो मेमोरी ग्लैंड होगा, जो उसका वहाँ पे जिसके जो ग्लैंड होगा जिसके वजह से वहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस होता है। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, स्तन बोलते हैं। लेकिन स्तन्य मतलब क्या होता है, मिल्क। ओके, दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानम, उसको ठीक करना। चाहे व्याधि नाम उपशमनार्थम, चाहे अगर बालकों को अगर बच्चों को अगर कोई डिसीज होती है उसको ठीक करना। ओके, तो ये सभी जो चारों टॉपिकों को जो कवर करता है उनको हम क्या बोलते हैं, कौमारवृत्त बोलते हैं। तो कुमारवृत्तम नामम कुमार भरणम धात्री क्षीर संशोधनार्थम दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानम च व्याधिनाम उपशमनार्थम। ओके, तो ब्रांच ऑफ आयुर्वेदा विल डील विद द फॉलोइंग कैटेगरीज टर्म एस। ये देखिए, चार चीज मैंने आपको बताया, कुमार भरणम, ओके, देन क्षीर दोष शोधन क्रिया ऑफ धात्री और मदर, जो मदर है, या फिर अगर मदर नहीं है तो बहुत सारे आप जानते हो कि चाइल्ड डिलीवर होने के बाद मदर जो होती है डाई हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे स्टेप मदर अगर रहती है, स्टेप मदर फीड वगैरह कराती है, अदरवाइज वहाँ पे कोई नर्स वगैरह होते हैं, ओके, तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, बच्चों को जो होता है वो फीडिंग कराते हैं। ओके, तो वहाँ पे आइदर धात्री और आइदर मदर दोनों के मिल्कों को हमें डिटेक्शन करना रहता है, अगर उनमें कोई दोष है या नहीं उनको डिटेक्ट करना है, वी हैव टू डिटेक्ट। एंड इफ वी फाउंड, ओके, इफ वी फाउंड एनी एबनॉर्मलिटीज, एनी काइंड ऑफ दोष इन दैट पर्टिकुलर स्तन्य इन दैट पर्टिकुलर मिल्क, देन वी हैव टू चेंज इट। ओके, देन वी हैव टू चेंज इट, उसको हमें रिप्लेस करना है, उसको हमें ठीक करना है, उसके दोषों को हमें क्या करना है, हटाना है। ओके, थर्ड चीज़ आती है, ये देखिए, वहाँ पे ट्रीटमेंट करना है। फोर्थ चीज़ आती है कि जो बालकों को जो वहाँ पे रोग वगैरह होते हैं ना उनको भी ठीक करना। ओके, आचार्य जो हारित है, ओके, उन्होंने हारित संहिता में उन्होंने बताया है, गर्भ उपक्रम विज्ञानम छूतिका उपक्रम तथा बालानाम रोग शमनम क्रिया बाल चिकित्सितम। उन्होंने दो लाइन में डिफाइन कर दिया बाल चिकित्सा हम किसको बोलेंगे, कुमार व्रत हम किसको बोलेंगे, गर्भ उपक्रम विज्ञानम। ओके, गर्भ उपक्रम विज्ञानम मतलब प्रॉपर एंटीनेटल केयर, गर्भ उपक्रम विज्ञानम यानी कि जो गर्भ, ओके, जो फीटस है एक पर्टिकुलर मदर के ओम में जो अभी डेवलप हो रहा है, उसकी डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ जो हो रही है इनसाइड द ओम ऑफ द मदर, ओके, इनसाइड द यूट्रस ऑफ द मदर, ओके, तो उसके अंदर भी अगर हम उस पर्टिकुलर फीटस की अगर केयरिंग करते हैं बाय केयरिंग टू देयर मदर, ओके, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे कुमार वृत्त में हम उसको रिलेट करते हैं, ऐसा आचार्य हारित बोलते हैं। ओके, उन्होंने हारित संहिता में उन्होंने मेंशन किया है, गर्भ उपक्रम विज्ञानम सूतिका उपक्रम तथा गर्भ उपक्रम यानी कि गर्भ की चिकित्सा, जब अगर कोई बेबी गर्भ फॉर्म में अगर रहता है तो उस गर्भ को भी डिटेक्ट करना, उस गर्भ को भी एक अच्छे तरीके से बनाए रखना बाय केयरिंग टू देयर मदर। ओके, तो प्रॉपर एंटीनेटल केयर, गर्भ उपक्रम विज्ञानम सूतिका उपक्रम तथा
प्रॉपर पोस्टनेटल केयर, ओके, पोस्टनेटल केयर मतलब आफ्टर डिलीवरी, ओके, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, ओके, मदर और वो चाइल्ड दोनों की केयरिंग हमें करना जरूरी होता है अकॉर्डिंग टू अवर आचार्य हरित इन द कौमार वृत्त इन द बाल चिकित्सा, ओके, बालानम रोग शमनम क्रिया बाल चिकित्सनम, और बालकों की चिकित्सा करना, ये अल्टीमेटली तीन चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इन अवर बाल चिकित्सा इन अवर कौमार वृत्त अकॉर्डिंग टू हरित संहिता, गर्भ उपक्रम विज्ञानम सूतिका उपक्रम तथा बालानम रोग शमनम क्रिया बाल चिकित्सितम, ओके, आचार्य सुश्रुति इन अनदर कंटेक्स्ट एट सम मोर ड्यूटीज, ओके, टू द कौमार वृत्त दे आर, उन्होंने अलग अलग बताया है, ओके, तो आप देख सकते हो, सॉरी, तो आचार्य सुश्रुति ने जो तीन जो चार चीज़ें उन्होंने जो ऊपर मैंने आपको बताई थी, ओके, ये देखिए जो चार चीज़ें मैंने आपको जो ऊपर बताई थी यहाँ पे, उसके एक एक्स्ट्रा दो तीन पॉइंट उन्होंने मेंशन कर दिया है, ओके, तो देट नॉट इम्पॉर्टेंट दैट मच। कुमार भरणम मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा आता है कुमार भरणम मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया ये कुमार मतलब होता है बालक, बालक मतलब कौन सा बालक, एक साल का, दो साल का, तीन साल का, चार साल का, कौन सा साल का बालक, मतलब वो बालक जब तक वो प्यूबर्टी एज अटेंड नहीं करता है तब तक उसको क्या बोलेंगे, बालक बोलेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, वहाँ पे मैंने बालकों का एज क्राइटेरिया बताया है कि हम कौन से एज को कौन से नामों से संबोधित करते हैं, ओके, तो आप कंटिन्यू बने रहिए मेरे चैनल्स में, मैं अलग अलग वीडियोस डेफिनेटली आपको अलग अलग मैनर में एक वेल मैनर में अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करते रहूँगा, ओके। तो अल्टीमेटली कुमार का भरण मतलब ये होता है कि जो कुमार जब तक वो प्यूरिटी अटेंड स्टेज सॉरी जब तक वो प्यूरिटी एज अटेंड नहीं करते हैं तब तक उनका लालन पालन या फिर भरण पोषण हमें किस प्रकार करना है उनको हम क्या बोलते हैं, कुमार भरण बोलते हैं, ओके। तो अ चाइल्ड शुड बी बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अनइम्पेयर्ड सर्कमस्टेंसेस, ओके, जहाँ पे कोई भेदभाव वगैरह नहीं होता है, द सोशल बायोलॉजिकल इकोनॉमिकल, ओके, सोशल बाहर का वातावरण, बाहर का उसका सोशल बायोलॉजिकल इकोनॉमिकल मेंटल फिजिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर शुड बी मेड प्लेजिंग बाय हिज केयर टेकर, ओके, किस प्रकार का सोशल बायोलॉजिकल इकोनॉमिकल मेंटल एंड फिजिकल पॉलिटिकल फैक्टर ये सभी होना चाहिए, ये उसकी जो केयरिंग करता है ना ये उसको ध्यान में रखना है, ओके, व्हाट आई से इसका मतलब यही हुआ कि अल्टीमेटली जो भी हम कंडीशन में रहेंगे, ओके, वो कंडीशन उस पर्टिकुलर चाइल्ड के लिए सूचेबल है या नहीं है, अगर हम झगड़ा वगैरह करते हैं या फिर वहाँ पे अगर कोई झगड़ा होता है तो उस कंडीशन में उस चाइल्ड को वहाँ पे उपस्थित रहना रखना है या फिर उसको दूर हटाना है या फिर उसका मेंटल जो थिंकिंग करने का जो क्राइटेरिया है वो किस तरीके से रखना है, अगर कोई वो कोई अगर गलती करता है तो इमिडिएटली हमें उसको डांटना है, ओके, इमिडिएटली उसको हमें वहाँ पे समझाना है, ओके, तो ये सभी जो बताने का जो तरीका है एक केयर टेकर को पता होना चाहिए, जो उसकी केयरिंग करता है उसको पता होना चाहिए कि किस प्रकार अल्टीमेटली उसको करना चाहिए, तभी वो उसको उस चीज़ों को मना करेगा, अदरवाइज उसका इम्पैक्ट उसके चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है, ओके, यही सभी फैक्टर का इम्पैक्ट उसके चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है और बाद में जब वो प्यूबर्टी एज अटेंड कर लेता है तब भी वो प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं होता है, ओके, यही इसका रीज़न है। आज के मॉडर्न टाइम में आप देख ही सकते हो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे चिल्ड्रंस हैं, ओके, दे आर नॉट ओबिंग द पेरेंट्स रूल बिकॉज पेरेंट्स आर नॉट प्रॉपर गाइडिंग टू देयर चाइल्ड्स, ओके, दे आर नॉट कंट्रोलिंग देयर चाइल्ड्स, ओके, उनको कंट्रोल करने आना चाहिए, ओके, तो अल्टीमेटली दे आर डिपेंडेंट ऑन द केयर टेकर हु हैज टेकिंग द केयर ऑफ द पर्टिकुलर चाइल्ड, ओके, तो देन ओनली ही विल कंपिटेंट इनफ टू फिट इन द फैमिली एंड सोसाइटी, अदरवाइज दे आर नॉट लाइबल टू सर्वाइव इन द सोसाइटी, दे आर नॉट लाइबल नॉट यहाँ पे हम लाइबल वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, बस वो ऐसा समझिए कि सोसाइटी के लिए या फिर वो खुद के फैमिली के लिए अच्छे तरीके से प्रोसीड नहीं होगा, ओके। द वर्ड भरण मतलब यही होता है कि ये देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना ये सभी जो क्राइटेरिया जो फैक्टर है ना इनका एक अच्छे तरीके से होना इनको हम क्या बोलते हैं भरण बोलते हैं। सोशल बायोलॉजिकल इकोनॉमिकल मेंटल फिजिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर शुड बी एक प्रॉपर मैनर होना चाहिए इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, ओके। अ चाइल्ड ये देखिए बस वहाँ पे बताया है कि हेल्थी किड अगर होता है अगर कोई बहुत ही हेल्थी है तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो आचार्य कश्यप जी बोलते हैं, इस लोग याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मीनिंग पता होना चाहिए।
तथा बालानाम रुषित रुदित स्वप्न प्रजागर का क्रोध हर्ष विसर्ग आदान पंक्ति स्तरीय गांभीर्याणि युक्ति युक्तानि गुणादिकानि प्रशस्यन्ति इति ओके तथा बालक तथा बालानाम रुषित रुदित स्वप्न प्रजागर क्रोध हर्ष विसर्ग आदान पंक्ति स्तरीय गांभीर्याणि युक्तानि गुणादिकानि प्रशस्यन्ति इति। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपरली चेरिस्ट किड जिसको हमने अच्छे तरीके से पालन किया है, हमने जिसको अच्छे तरीके से पाला है ओके, वो अगर अच्छे से अगर वो चिल्ड्रन अगर होगा अच्छा से अगर वो बच्चा होगा हमें पता करना है तो वो कौन से गुण होंगे, वो सफिशिएंट हैप्पीनेस ज़्यादा मतलब सफिशिएंट हैप्पीनेस प्रॉपर तरीके से खुश रहता है, ज़्यादा किसी चीज़ों के लिए क्राइंग वगैरह नहीं करता है, रोता नहीं है, ज़्यादा सोता नहीं है ओके, प्रॉपर टाइम पे उसका उठना ओके। रुषित मतलब होता है हैप्पीनेस, रुदित मतलब होता है क्राइंग, स्वप्न मतलब होता है स्लीपिंग टाइम, स्लीपिंग बिहेवियर ओके, स्लीपिंग मैनर, दैट ऑल इज़ गुड मैनर ओके, सॉरी इज इन प्रॉपर मैनर ओके, नॉट अ गुड मैनर, दे ऑल्सो गुड मैनर होते हैं एक, लेकिन किस तरीके से करना है दैट शुड ऑल्सो नो ओके। अवेकिंग टाइम, अवेकिंग मैनर ओके, प्रजागर जी ने बोलेंगे एंगरनेस कितना होता है, बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाते हैं ओके, तो एक सफिशियंट अमाउंट में ही गुस्सा होना चाहिए, अदरवाइज गुस्सा नहीं होना चाहिए ओके। हर्ष ओके, हर्ष मतलब एंगरनेस वही इवैक्यूएशन वगैरह जो भी कुछ है ओके, हर्ष मतलब आनंदमय ओके। विसर्ग मतलब होता है कि इवैक्यूएशन ऑफ देयर यूरिन एंड फीकल आउटपुट एक प्रॉपर मैनर में उसको निकलना आना चाहिए ओके, कोई रोग वगैरह कोई डिसीज़ वगैरह नहीं होना चाहिए। पंक्ति मतलब होता है फूड इंटेक जो ले रहा है उसको डाइजेस्ट करने आना चाहिए ओके, स्टेबल होना चाहिए, ये सभी जो गुण अगर बच्चे में होता है ये सभी गुण एक मतलब एक सफिशिएंट मैनर में होना चाहिए ओके, तभी हम क्या बोलेंगे उसको एक प्रॉपरली चेरिस किड बोलेंगे ओके। क्षीर दोष मतलब क्या होता है, क्षीर दोष मतलब ये होता है कि अगर कोई बच्चा जो मिल्क लेता है जो ब्रेस्ट फीडिंग जो बेबी होते हैं अगर वो मिल्क जो ब्रेस्ट फीड कर रहा है अगर उस ब्रेस्ट में ही अच्छे मिल्क नहीं होंगे तो बालक का प्रॉपर तरीके से नरिशमेंट नहीं हो पाएगा ओके, और बहुत सारे उसमें डिसीजेज देखने को मिलेगा ओके। अ चाइल्ड इज सपोज टू बी एक्सेसिवली डिपेंड ऑन द ब्रेस्ट मिल्क ड्यूरिंग द फर्स्ट सिक्स मंथ ऑफ द फॉर द न्यूट्रिशनल नीड ओके, सॉरी न्यूट्रिशनल केयर अल्टीमेटली 6 महीने तक हम उसके सिर्फ मिल्क से ही करते हैं। दिस 6 मंथ आर हाईली क्रूशियल फॉर डिटरमेंट सो फॉर द चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कंसर्न, तो बच्चों के चाइल्ड्स एंड डेवलपमेंट के लिए अल्टीमेटली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये 6 महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर द न्यूट्रिशनल स्टेटस ओके। सो प्रोवाइडिंग संभवती महारोगा अशुद्ध क्षीर सेवनात, बहुत बड़े बड़े रोग हो सकते हैं अगर वो अशुद्ध होगा तो, तेषाम एव उपशांति हेतु शुद्ध क्षीर निषेवनात, अगर कोई रोग होता भी है अगर हम शुद्ध क्षीर लेते हैं तो उससे वो रोग ठीक हो जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई बंदा अगर कोई बच्चा है अगर वो अशुद्ध क्षीर यानी कि अशुद्ध मिल्क का अगर कंजप्शन करता है कंज्यूम करता है तो अगर कोई रोग अगर रोग वगैरह अगर हुए भी नहीं थे तो रोग वगैरह हो जाएंगे क्योंकि वो अशुद्ध क्षीर को कंज्यूम कर रहा है। सेकेंड थिंग, अगर कोई बंदा अगर कोई चिल्ड्रन अगर कोई बच्चा अगर कोई चाइल्ड अगर शुद्ध क्षीर को लेता है यानी कि एक प्रॉपरली एक अच्छे मैनर वाला अगर क्षीर लेता है अच्छे मैनर वाला दूध अगर लेता है एक ब्रेस्ट फीडिंग अगर मिल्क लेता है तो अगर कोई रोग उसके अंदर रहता भी है तो वो रोग चले जाता है। तेषां में वो शांति हेतु शुद्ध क्षीर निषेवनात, शुद्ध क्षीर उसको क्या करता है दूर कर देता है। वहीं यहाँ पे लिखा गया है कि ये देखिए, सो द फील्ड ऑफ द कुमार विद कवर्स ऑल द प्रोडक्टिव मेजर टू हैव अ गुड ब्रेस्ट मिल्क क्यूरेटिंग मेजर टू द डिसीज फ्रॉम द डिसीज ब्रेस्ट मिल्क एंड ट्रीटमेंट टू द स्तन दृष्टि ओके। यहाँ पे जैसे बताया है सो द फील्ड ऑफ द कमर विद कवर ऑल द प्रोडक्ट मेजर ओके, फील्ड ऑफ कमर विद सभी चीज़ों को मेजर करता है सभी चीज़ों को कैटेगराइज करता है, हैव अ गुड ब्रेस्ट मिल्क क्यूरिटी मेजर टू द डिसीज फ्रॉम द डिसीज ब्रेस्ट मिल्क ओके, तो उसका कन्वर्जन करना ओके उसको किस तरीके से लेना जैसे वहाँ पे उन्होंने बताया है। ग्रह बाधा मतलब ये होता है कि मतलब बहुत सारे लोग आज के ज़माने में भी सुपरस्टिशन को बिलीव करते हैं ओके, सुपरस्टिशन दैट नथिंग बट अंधविश्वास जिन्हें बोलते हैं ओके, जो ग्रह वगैरह को जो मानते हैं, तो ग्रह वगैरह रियलिटी अगर अकॉर्डिंग टू मी तो जैसा कि हम आयुर्वेदा पढ़ते हैं आयुर्वेदा में तो सुपरस्टिशन की चीज़ें बहुत सारी चीज़ें तो बिलीव है, बिलीव होने का रीज़न भी बताया गया है, बट ये बात अलग है कि
आज के लेबर पर्सन को, आज के लेबर मैन को इतना मालूम नहीं होता कि व्हाट दे आर कंसिडरिंग, व्हाट दे आर फॉलोइंग दैट काइंड ऑफ सुपरस्टिशन, उनको उसका रीज़न नहीं मालूम है. दे डोंट नो देयर प्रॉपर रीज़न. ओके, सो बट हमारे आयुर्वेदा में उसका प्रॉपर रीज़न एक अलग तरीके से बताया रहता है. सभी का नहीं बताया रहता है, लेकिन एक कुछ हद तक बताया रहता है. कहने का तात्पर्य यही है कि हम सुपरस्टिशन को भी यानी कि एक कुछ हद तक बिलीव करते हैं. ओके, ग्रह वगैरह जो है ये सभी सुपरस्टिशन के कंटेंट होते हैं, इनको बिलीव नहीं किया जाता है. ओके, तो अल्टीमेटली ग्रह आर इनविजिबल कॉजेटिव एजेंट ऑफ द डिसीज इन द चिल्ड्रंस. ओके सॉरी, हाँ तो ये देखिए, ग्रह वगैरह से बच्चों में बहुत सारे ग्रह रोग हो जाते हैं और बच्चा उसकी वजह से बहुत वहाँ पे डाई भी हो सकता है, यानी कि एक साल होने के बावजूद भी वो वहाँ पे डाई हो सकता है ड्यू टू ग्रह. ओके, तो ग्रह रोग आर एक्यूट इन्फेक्शन डिसीज विद द इमीडिएट प्रोग्रेशन एंड फैटल आउटकम एज इन्फेंसी इज इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज अटमोस्ट केयर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट दिस हेल्थ हैजर्ड्स. ओके, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में एज रहता है, इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ रहता है एक बच्चे में. ओके, दैट्स वाई इनका केयरिंग हमें करना चाहिए. ओके, तो इतना इंपॉर्टेंट श्लोक नहीं है, दैट्स वाई मैं इसको इतना इंपॉर्टेंट आपको नहीं दूंगा. ये देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ कौमार वृद्ध, चिल्ड्रन बींग द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द नेशन, नेशन के लिए चिल्ड्रंस का होना जरूरी होता है. एंड मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप इन द कम्युनिटी रिक्वायर टू हैंडल विद अटमोस्ट केयर एंड कंसर्न. ओके, वल्नरेबल जो कम्युनिटी वो चिल्ड्रंस की है और उनकी केयरिंग करना एक जरूरी कंसर्न है, जरूरी एक काम है. हेंस पेरेडिक द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डीलिंग विद देयर हेल्थ एंड डिसीजेस इज इंडीड ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस. ओके, इसकी जरूरत हमें कंटिन्यू रहेगी. कौमार वृत्त अष्टानाम तंत्राणाम माध्यम उच्चते, आठ प्रकार के अंग हमारे आयुर्वेद में डिस्कस किए जाते हैं. कौमार वृत्तम अष्टानाम तंत्राणाम माध्यम उच्चते, तो उस तंत्रों में से आद्य यानी कि पहला जो शास्त्र है हम क्या करते हैं, कौमार वृत्त को स्टडी करते हैं. पहला शास्त्र आचार्य कश्यप जी ने स्टडी किया था, दैट्स वाई ये आचार्य कश्यप के द्वारा लिखा गया संहिता है. आचार्य कश्यप संहिता विमान स्थान में उन्होंने ये श्लोक, विमान स्थान सेकेंड अध्याय 10th नंबर के श्लोक से वहाँ पर मैंशन किया गया है. आयुर्वेद से महत्व देवानाम इव हवप्य. ओके, तो इतना सेकेंड लाइन का मीनिंग मुझे इतना प्रॉपर क्लियर नहीं है, तो बस आप इतना अगर फर्स्ट लाइन भी एग्जाम में लिखते हो अगर आपको याद भी रहता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कौमार वृद्धम अष्टानाम तंत्रणा माध्यम उच्चते, तो आठ अंगों में से, आठ तंत्र में से, आठ शास्त्र में से पहला शास्त्र आचार्य कश्यप वो शास्त्र को इंपॉर्टेंस देते हैं. ये सिंपल एंड मैनर में आप उसको इसके मीनिंग लिख सकते हो. अकॉर्डिंग टू आचार्य कश्यप, कौमार वृत्ति इज कंसिडर टू बी द बेस्ट अमंग द एट अंग ऑफ आयुर्वेद. सेकंड लाइन का मीनिंग यहाँ पे बताया गया है, दिस हैज़ बीन कम्पेयर टू द एक्सेलेंस ऑफ द अग्निदेव अमंग अदर देव. ओके, जितने भी अदर भगवान हैं उनमें से हम अग्नि भगवान को एक प्रॉपर तरीके से, मतलब एक उनको एक्सेलेंस का वहाँ पे एक्सेलेंस का उनको हम दे सकते हैं, एक अवार्ड या फिर एक्सेलेंस का उनको हम कैटेगरी में रख सकते हैं. ओके, अगेन ये इतना इंपॉर्टेंट श्लोक नहीं है, यू डोंट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर श्लोक. एज इन्फेंट is advised to be brought up from childhood to adolescence. Okay, तो देखिए बस यहाँ पर बताया गया कि the health problem of children are different from the those of adult because ये देखिए यहाँ पर बताया गया कि जो childrens होते हैं, sorry, जो childrens होते हैं, the health problem of children are different from those of adult because, okay, जो उनके problems होते हैं childrens के वो adult के अडल्ट से अलग होता है, क्योंकि एक चिल्ड्रन सौकुमारी होता है. सौकुमार मतलब देखने में भोला भाला. ओके, इतना बलवान नहीं होता है. ओके, तो यानी कि चिल्ड्रन आर हाईली वल्नरेबल ड्यू टू सुकुमारता, यानी कि बहुत ही वो दयालु होते हैं, बहुत ही वो लीन होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास एनर्जी नहीं होता है. ओके, जैसे उनको हम सौकुमारी वर्ड बोल सकते हैं. अल्पकायता लोअर बॉडी मास इंडेक्स होता है उनका. ओके, कंपेयर अगर करेंगे तो अडल्ट से तो बहुत ही लोअर होता है, दैट्स वाई उनकी ट्रीटमेंट अलग होती है, उनकी चिकित्सा अलग होती है, उनके रोग भी अलग अलग होते हैं. ओके, सर्व अन्न न उपसेवता, सभी प्रकार के भोजन वो नहीं सेवन करता जैसे एक अडल्ट सेवन करता है. अपरिपक्व धातु, जितने भी उसके धातु हैं अभी प्रॉपर तरीके से पक्व नहीं हुए, प्रॉपर तरीके से उसका आप बोल सकते हैं कि वो मैच्योर नहीं हुए. दोष दुष्य मल अल्पता, क्वांटिटिवली एंड क्वालिटिवली दोष एंड दुष्य जो है वो बहुत ही कम बने हुए, दोष दुष्य मल अल्पता. ओके, मल अल्पता यानी कि दोषों का प्रॉपर तरीके से भी दोष
अपना फंक्शन नहीं कर रहे हैं, दुष्य अपना अगेन, दुष्य मतलब अगेन धातु, ओके प्रॉपर नहीं है, अल्प फॉर्म में बने हुए हैं। असमत्वागत प्राण दोष धातु बलोजसा, असमत्वागत प्राण दोष धातु बलोजसा मतलब प्राण दोष धातु बल और ओज, ओके इन सभी का एक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना होना, ओके असमत्वागत, असम मतलब होता है इक्विलिब्रियम, ओके इक्विलिब्रियम मेंटेन ना होना बिटवीन अमंग दोष धातु बल और ओज, ओके ये सभी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी को, ओज मतलब इम्यूनिटी होती है, ओके दोष क्या करेगा, दोष हमें बहुत सारे फंक्शन प्ले करता है जिसकी वजह से हम रेस्पायर करेंगे, वायु दोष की वजह से हम रेस्पायर करेंगे, पित्त दोष की वजह से हमारे डाइजेस्टिव पावर बढ़ेगी, कफ दोष की वजह से मेंटेलिटी की पावर हमें बढ़ेगी, स्टेबिलिटी पावर बढ़ेगी, तो ये दोषों का प्रॉपर तरीके से होना, ओके स्टेबल मैनर में होना, अगर नहीं होंगे ओके तो वहाँ पे चिल्ड्रंस अलग सॉरी ये नहीं होते, दैट्स व्हाई इनमें अलग प्रॉब्लम देखने को मिलता है, असमत्वागत प्राण दोष धातु बल ओजसा, इसकी वजह से चिल्ड्रंस में एक अलग विकार होते हैं, क्योंकि अडल्ट जो होता है वो समत्वागत प्राण दोष धातु बल ओजसा वाला होता है, ओके द प्रत्यागत प्राण इज नॉट इन समावस्था, जैसे कि मैंने द प्राण मे गो टू द असमावस्था विद वेरी सिंपल रीजन, ओके सेम इज हैपनिंग विद द दोष धातु बलोज ड्यू टू इमैच्योरिटी ऑफ द बॉडी, ओके द स्टेबिलिटी ऑफ दिस बॉडीली फैक्टर विल गेन ओनली आफ्टर 30 ईयर ऑफ एज अकॉर्डिंग टू चरक आचार्य, कहने का तात्पर्य यही है कि अगर बच्चा छोटा है प्यूबर्टी एज अटेन नहीं हुआ है तो उसके दोष धातु बल और ओज ये अनस्टेबल मैनर में रहते हैं, कब तक, जब तक बच्चा प्यूबर्टी एज अटेन नहीं करता है तब तक, प्यूबर्टी एज अटेन कब करेगा अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक वो 30 ईयर बताते हैं, आज के टाइम में अगर हम बोलेंगे कि बच्चा कब मैच्योर हो जाता है तो वी विल रिप्लाई 13 ईयर 14 ईयर 15 ईयर, नाउ यू कैन सी दैट चरक आचार्य क्या बोलते हैं कि बच्चा जो मैच्योर होता है बच्चा विल बी चाइल्ड टिल 30, ओके नो वन विल बिलीव ऑन दिस फैक्टर, नो वन विल बिलीव ऑन दिस स्टेटमेंट कि चाइल्ड, हम बच्चा एक पर्टिकुलर बच्चे को कब बोलेंगे, 30 साल तक बोलेंगे, 30 साल तक इन बिटवीन द 30 नंबर ऑफ पीपल, वहाँ पे नंबर ऑफ लोग मैरिज वगैरह भी कर लेते हैं, उनके चिल्ड्रंस वगैरह भी हो जाते हैं, और चरक आचार्य से ही 30 ईयर विल बी कंसिडर एज अ लास्ट एज ऑफ अ चाइल्ड, ओके तो दैट इज जस्ट उन्होंने एक अपना मत बताया, ओके अलग अलग लोगों का अलग अलग क्राइटेरिया है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में फर्दर डिस्कस करेंगे, तो कहने का तात्पर्य आपको इतना याद रखना है कि प्यूबर्टी एज अटेन यानी कि जब तक बंदा मैच्योर नहीं होता है तब तक हम उसको क्या बोलेंगे, बालक बोलते हैं, तब तक उसकी जो धातु बल ओज और उसका प्राण रहता है वो सभी असमत्वागत कंडीशन वाला रहता है। अजाते व्यंजनम, व्यंजन मतलब यहाँ पे अलग अलग प्रकार के भोजन नहीं, व्यंजन मतलब होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट ना होना, ओके जब आप जानते हो कि प्यूबर्टी एज अटेन होने के बाद ही फीमेल्स में मेनार्क आता है, ओके मेल में बियर्ड का डेवलपमेंट होना, मेस्टेची का डेवलपमेंट होना, ओके एक्सिलरी हेयर्स का ज़्यादा डेवलपमेंट होना, पीबिक हेयर ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाते हैं, ओके वॉइस जो होती है वो एक अलग मैनर में हो जाती है, ओके देन वहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन भी स्टार्ट होता है, ओके तो अल्टीमेटली दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द चाइल्ड, ओके जिनको हम क्या बोलते हैं अजाते व्यंजनम बोलते हैं, ओके आहार संक्रांत अनियत वन्नी, ओके आहार संक्रांत अनियत वन्नी मतलब द स्टेटस ऑफ द अग्नि इन चिल्ड्रन इज अनस्टेबल, कहने का मतलब यही है कि जो बच्चा होता है वो अलग अलग प्रकार के भोजन वगैरह लेता है, हालांकि उनकी अग्नि प्रॉपर हो जाती है जब वो प्यूबर्टी एज अटेन कर लेते हैं तब तक, ओके आप जानते हो मैंने आपको बताया कि एक फीमेल मेनार्क स्टेज जब अटैच करती है यानी कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जब वो निकलता है, ओके तब वी आर कंसिडरिंग द नाउ शी इज नाउ शी इज बिकम अ प्यूबर्टी, ओके वो अभी मैच्योर हो चुकी है, तो वो मैच्योर कब तक होते 13 to 14 ईयर वहाँ पे मेनार्क एज, वहाँ पे मेनार्क एक पर्टिकुलर आ जाता है, ओके तो कहने का मतलब ये है कि प्यूबर्टी एज आने तक या फिर उसके पहले उसकी जो बच्चों की जो अग्नि होती है वो अनस्टेबल होती है, ओके वो यहाँ पे बताया अनियत वन्नी, ओके आहार संक्रांत अनियत वन्नी एंड दैट्स वाई डिफरेंट स्टेट ऑफ फूड मटेरियल जो होता है उनको अलग अलग तरीके से हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, अलग अलग तरीके से वो प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि वो उनका पचाने का जो कैपेबिलिटी होता है वो अलग अलग होता है, ओके मधुर साथ में बच्चों को मधुर रस बहुत ही अच्छा होता है और उनके हेल्थ के लिए भी वो बेटर है, ओके वाकत तो अल्टीमेटली
आहार संक्रांत अनियत वन्नी, दैट्स वाई ये इनमें अलग रोग दिखते हैं कंपेयर टू अवर एडल्ट वन। मधुर सात्म्यात, मधुर ज़्यादा रस लेने के वजह से बच्चों में एक अलग डिसीज़, अलग प्रकार के रोग देखने को मिलता है, जो कि एक अडल्ट में नहीं होता है, क्योंकि वो मधुर रस ज़्यादा ले रहे हैं, एक इसका रीज़न है। हालांकि वो मधुर रस बेटरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड के लिए यूजफुल तो है, बट इट मे कॉज अनदर प्रॉब्लम एज वेल। ओके, तो वाक चेष्टियो असामर्थ्यम, वाक चेष्टियो असामर्थ्यम मतलब वो बोलने में कैपेबल नहीं होते, दे आर नॉट एबल टू स्पीक समथिंग। ओके, छोटे बच्चे क्या होते हैं, दे आर नॉट एक्सप्रेस टू देयर फीलिंग, दे आर नॉट एक्सप्रेस टू व्हाट दे वांट टू से। ओके, दैट्स व्हाई चिल्ड्रन कैन नॉट प्रॉपरली एक्सप्रेस देयर नीड थ्रू द लैंग्वेज एंड एक्शन। ओके, तो आपको जहाँ पे एक अगर मीनिंग अगर बताया गया कि वो बच्चों से रिलेटेड है, तो आप वहाँ पे बच्चों से रिलेटेड समझिए, यानी कि वाक चेष्टा असामर्थ्यम मतलब अगर कोई बच्चा 3 साल का है तो ही विल बी एबल टू स्पीक। ओके, अगर कोई बच्चा 4 साल का है ही विल बी एबल टू स्पीक। ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि अगर जहाँ पे टर्मिनोलॉजी अगर या फिर अगर कोई पॉइंट ऐसा मेंशन किया गया कि जो बच्चों के लिए स्पेसिफिक है, जो एक छोटे बच्चों के लिए स्पेसिफिक है, तो वहाँ पे आप छोटे बच्चों को ही कंसिडर करिए। ओके, डोंट कंसिडर द अप प्योरिटी एज वाला बच्चा। ओके, द कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बींग इज मोल्डेड राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड बाय इंटरेक्शन विद देयर पेडेस्ट्रियन। ओके, तो अल्टीमेटली बच्चों के अलग अलग दौर से अलग अलग लोगों का वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, उनके पेरेंट्स, उनके टीचर, उनकी सोसाइटी, बट उनमें से पेडेस्ट्रियन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो दैट इज रिगार्डिंग फॉर आवर टुडेज क्लास गाइस, इतना ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट क्लास में। हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपने वर्गीकरण ऑफ एज। ओके, बच्चों का किस प्रकार से एज का क्लासीफाई किया गया है, जैसे कि आचार्य चरक आप देखना आपने देख ही लिया कि उन्होंने 30 ईयर एक एज क्राइटेरिया बता दिया एक बच्चों के लिए कि वी विल डिफाइन टू एनी चाइल्ड टिल 30 ईयर। ओके, जब तक 30 ईयर नहीं आता है चिल्ड्रन विल नॉट बी मैच्योर अकॉर्डिंग टू अवर आचार्य चरक, बट डिफरेंट आचार्य हैज अ डिफरेंट व्यू, वी विल सी दैट पर्टिकुलर व्यू इन द नेक्स्ट क्लास। यहाँ पे हमने आज क्या कवर किया, वी हैव कवर द सम इंट्रोडक्शनरी रिगार्डिंग द कौमारवृत्त। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कॉम्प्लिकेशन और नॉट कॉम्प्लिकेशन, एनी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड, ओके, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, और मैंने ऑलरेडी अपने जो व्हाट्सअप नंबर है मैंने ऑलरेडी आपको दिया ही है। ओके, आप डिस्कशन बॉक्स में उस पर्टिकुलर व्हाट्सअप नंबर को देख ही सकते हो, तो वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हो अगर आपको शेम वगैरह है कमेंट में, अगर पूछना अगर नहीं रहता है तो आप पूछ सकते हो। ओके, आई विल व्हेनेवर आई विल गेट टाइम आई विल डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्स ओके टू योर क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने आज जस्ट एक इंट्रोडक्शन ही देखा रिगार्डिंग द कौमारवृत्त। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक अलग तरीके से एक अलग वीडियो में आपको नेक्स्ट फिर मिले।